सो गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 8th एंड हम वापस उसी होटल से निकल रहे हैं, होटल गांगरी से, जो है धारचूला में। सो आज का हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है या तो आदि कैलाश या तो ओम पर्वत। तो चलो निकलते हैं, पहले जाना है मार्केट में, हमारे परमिट्स बन चुके हैं तो वो कलेक्ट करेंगे, देन आगे जाएंगे। लेट्स गो। तो ये वही कल वाले स्पॉट पे चल रही है क्लीनिंग, और थोड़ा बहुत रोड का काम चल रहा है तो रोक दिया है। अब हो ही गया है लगभग क्लियर, हमारी लाइन तो चलने लगी है। ऐसा लग रहा है ना आप एकदम जंग लड़ने जा रहे हो। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों के झुंड, एकदम ऐसे ही तो लग रहा है। अरे उसको तो देखो, भूत ही बन गया वो अब। मैं हाँ, इसलिए पीछे पीछे चलो थोड़ा सा धीरे धीरे, वो जब तक वो ब्लैक टॉप पे ना चढ़ जाए। देखना अभी कुछ, हाँ चलो चलो बस। मैं पीछे लूँ, आप फंसाओ 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 फंसाओ, बस 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 बस। जय हिंद सर। सच में जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने बोला फिर आ जाओ पीछे ही, काय को पंगा लेना। देखो क्या रोड आ चुका है, एकदम सुंदर वाला, जैसे ही हमने तवा घाट क्रॉस किया है वैसे ही शानदार वाला, एकदम ब्लैक टॉप आ चुका है पूरा। और आई थिंक ये थोड़ा आगे तक तो होना चाहिए, बाकी देखते हैं कहाँ तक मिलेगा। और हम निकल चुके हैं अधिक कैलाश के लिए, तो अगर आज दर्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, बस बारिश ना हो आई होप तो मज़ा आ जाएगा। सामने से वैसे ट्रक्स वगैरह पे तो पानी है नहीं, यस, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बहुत मेहनत कर, बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा आ जाती है पूरी, पूरा वैसा ही है और नहीं निकल पाए, लंबे ट्रक्स नहीं निकल पाए, बसेस भी नहीं निकल पाए। एकदम खड़ी चढ़ाई है, संस्कार वाले कटे ही हैं। क्लच छोड़ना भैया याद नहीं था, क्लच तो पकड़ना ही नहीं ऐसी जगहों पे भाई। क्या पता क्या है, क्या पता वो गाड़ी आ रही है। चलो चढ़ते हुए तो साइड देगा, कैनन। सही है, हाँ बहुत भयानक रोड। हैंग हो गया। सो बंदो आई थिंक चालू हो चुकी है ब्यास वैली, और बहुत ही सुंदर रोड है, और रोड पे कोई है भी नहीं, एकदम शांति से चलते जा रहे हैं हम लोग। वाओ, ओहो, अभी तक तो रोड बनी हुई थी, कैमरा चालू करते ही गायब हो गई। और ये देखो नदी उस तरफ कितनी तेज़ हो रही है, नीली एकदम। संभल के आइएगा जी जी। क्या ही ब्यूटीफुल रोड्स चल रहे हैं, और फुल ऑन ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो कितना ऊपर जाना है, ओहो हो
और कोई अंदाजा नहीं है कितने किलोमीटर चल चुके हैं। ऊपर दिख रहा है मेरे को कुछ खाने का। यस वहाँ रुकते हैं क्योंकि दो बज चुके हैं और हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से। वैसे निकले हुए भी 2 घंटे हुए हैं लेकिन फिर भी। सो हम लोग ने थोड़ी सी मैगी खाई बूदी गांव में। अब निकलते हैं आगे ओम पर्वत के लिए। लेट्स गो। यस यहाँ का बहुत ऊपर चढ़ना है एकदम। वो वॉलीबॉल चल रहा है। पैसे स्टीप करने यार एकदम ऊपर चढ़ाने का स्टीप है। उसके बाद फर्स्ट गियर डाल के शांति से चलने दे। वो ओहो और बाप रे ये तो बहुत स्टीप है यार। बाप रे बाप यार रोड है ये काफी डेंजरस है यार। हाँ तो जॉजिला एकदम सही सही हो गया एकदम। धीरे धीरे जाएंगे ताकि जूते नहीं खराब हो। बहुत गहरा है। तो यहाँ दिखा दिया हमने परमिट। अब चलते हैं आगे। हाँ तो हम लोग पहुंचने वाले हैं गुंजी और रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने मीडियम मोड निकाल रखा है तो आवाज़ उतनी अच्छी आएगी नहीं। बट बेयर विद मी अभी व्यूज़ बहुत तगड़े आएंगे। लेट्स सी आज कहाँ तक पहुंच पाते हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो ही रही है और ये कीचड़ तो देखो। इधर देखो क्या सीन है। अभी तो साइड से निकालते हैं अपन। आ जाओ मेरे साथ ही। हम ट्राई कर लो। मैं तो सॉर्टेड हूँ। ट्रक वाले को पत्थर बिछाने पड़ रहे हैं। तो टायर्स तो अच्छे हैं लेकिन। चलो सो यहाँ करवा ली है सेकंड चेकिंग। सिर्फ परमिट वगैरह दिखाया सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाई और अब जा रहे हैं हम गुंजी की तरफ। मुझे लगा था गुंजी पास में ही है लेकिन गुंजी अभी भी 15 किलोमीटर्स है। आई थॉट वो वाला विलेज है गुंजी बट नहीं। ये तो बहुत ही वो है। हाँ भाई इसीलिए तो मैंने बोला 2-3 गाड़ी निकल गया। बाय बाय। भाई तो यूट्यूब चैनल अभी कहाँ बता है।
यार इस तरफ वाला गांव है कितना बड़ा, मतलब गांव नहीं है ये, आर्मी आर्मी के हैं और ये टैंक वगैरह और वो सब रखने के लिए शेड है शायद तक, है ना। हाँ आर्म्स एम्युनिशन और वो भी ट्रक्स वगैरह भी जाते होंगे इसके अंदर ना, क्योंकि यहाँ से वापस तो लेके नहीं जाते होंगे प्रोटेक्शन के लिए, सबसे बेस्ट। लेकिन रास्ता का रास्ता यहीं से नीचे यही लगानी पड़ेगी गाड़ी। तो हमें मिल गए हमारे पुराने दोस्त लोग कैलाश ना। हाँ ओम पर्वत तो चालू है सर, कैसे हैं आप? सुबह दर्शन कराए हम, सुबह दर्शन कराए ओम पर्वत के। तो यहाँ से रास्ता शानदार दर्शन हुए, पूछो मत, बहुत प्यारे। तो इधर से जुड़ गए उसके बाद पर पड़ी बहुत है ना। हाँ यहाँ से लौट गए, लौट गए, ऊपर जाना बेकार है वो कह रहा है। तो बंदो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग नाभी में, और ये गाँव आता है जस्ट गुंजी के पास में, 2 किलोमीटर है बस गुंजी से। तो हमें एक बैड न्यूज़ भी मिल चुकी है, अधि कैलाश का जो रास्ता है वो 10 दिन बाद खुलेगा, और अभी पूरा स्नो से पैक्ड है। इसके आगे जो गांव आता है कुटी, वहां तक जाने दिया है सबको, उसके आगे जा नहीं सकते। तो आज हम लोग नाभी स्टे करेंगे, कल जाएंगे सुबह ओम पर्वत, एंड देन उसके आगे की जो जर्नी है वो बताते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रिप है हमारी ये, तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। डेस्टिनेशंस थोड़ी सी कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारी ट्रिप ख़त्म नहीं होगी। तो बंदो आज के लिए बस इतना ही। देखो पीछे व्यू कितना प्यारा हो रहा है, और आज का रोड तो काफ़ी ज़्यादा ही टफ था, पूरा स्लसी स्लस था। तो आज थक गए, अब आराम करेंगे और कल सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के आपको दिखाएंगे ओम पर्वत। तो बंदो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।